हाय फ्रेंड्स, अरे मैं तो रेजिग्नेशन दे रही हूँ. बहुत पॉलिटिक्स है हमारे ऑफिस में. ये एक सेंटेंस मैंने पिछले 2 महीने में कम से कम 100 लोगों से सुना होगा. ये पॉलिटिक्स क्या होती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है? ये पॉलिटिक्स हमारे माइंड में होती है, लोगों में की सोच में होती है, द वे वी थिंक. सो वो तो हर जगह है. कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, बिकॉज वो ही लोग हैं, हर जगह हैं और वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है. तो इज द रेजिग्नेशन अ सॉल्यूशन? इफ आई रिजाइन विल इट सॉल्व माय प्रॉब्लम? मुझे हमारे एक बहुत सीनियर मैनेजर हैं, वो मेरे पास आए और पता चला कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है. उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मुझे मालूम था कि उनकी कुछ प्रॉब्लम है दूसरे किसी सीनियर मैनेजर से. तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि जब आप सड़क पे जा रहे होते हो तो बहुत तरह के चीज़ें होती हैं, गायें, एक गाड़ी चला रहा है, एक स्कूटर चला रहा है, साइकिल चला रहा है, कोई ड्रिंक करके आया हुआ है, कोई पागल भी घूम रहा हो सकता है सड़क पे, तो आप क्या करते हो? इससे तो अपना रास्ता बना के चला जाता हूँ. सो आई सेड वही तो आपको यहाँ करना है. हर तरह के लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में हैं. हम अपना रास्ता कैसे बना के चल रहे हैं वो मैटर करता है. हम रुकते नहीं हैं, रिजाइन नहीं करते हैं. ऐसे एक और थोड़े यंग एम्प्लॉय हैं, उन्होंने एक रेजिग्नेशन भेजा और मुझे पता चला कि जीएम ने उनको कुछ डांट दिया था जिसे वो खफा होके रिज़ाइन कर रहे थे. तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे एक बात पूछी कि आपके घर में आपके फादर साहब आपको डांटते होंगे? जैसे हाँ जी. तो ऐसे जब वो डांटते थे आप तो क्या करते थे? घर छोड़ के चले जाते थे, रिज़ाइन करते थे? ऐसे नहीं. ऐसे फिर अगर यहाँ किसी सीनियर ने आपको डांटा या कुछ कहा या समझाया तो आप क्या रिज़ाइन कर देंगे? इज दैट द सॉल्यूशन? कोई भी एम्प्लॉई जब कंपनी छोड़ के कहीं और जाता है इस माइंड से कि यहाँ पे ये पॉलिटिक्स है या यहाँ पे ऐसा है या कुछ है, तो वो ये सोच के जाता है शायद जहाँ मैं जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी जगह होगी, वहाँ तो सब बहुत अच्छे होंगे, खुदा के बंदे हैं. ऐसा नहीं है. हर जगह आपको इन चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो व्हाई नॉट हियर? तो अगर हमें लगता है कि यहाँ कोई सुन नहीं रहा है इसलिए मुझे लगता है यहाँ पॉलिटिक्स बहुत है, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी काबिलियत बढ़ानी है, हमें अपना एक्सप्रेशन इम्प्रूव करना है, हमें अपना समझाने की कैपेसिटी इम्प्रूव करनी है. अगर आप काबिल हो तो कोई भी आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप रिज़ाइन करो. यू विल बी ट्रेजर्ड. सो रादर देन रिज़ाइनिंग, लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव आवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज. थैंक यू. Friends, if you really like this video, so please comment, share and subscribe. Maybe किसी को ये बात समझ आ जाए और वो emotional या anger होके anger mood में वो resign नहीं करे और अपने आप को improve करके life में grow कर जाए. Thank you.